हेलो दोस्तों, मैं देंद्र निवारी फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ इकाई दो काव्यबोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इसके पहले हमने पहली वीडियो में देखे थे इकाई एक काव्यखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों पहला प्रश्न है, श्रवणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है, इसका आंसर हो गया दोस्तों 100 नंबर का पंडित जगन्नाथ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, महाकाव्य में सर्वों की संख्या 8 होती है। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई में अलंकार है। दोस्तों इसमें अलंकार है, इसका आंसर हो गया 700 नंबर का रूपक अलंकार। इसका चौथा क्वेश्चन, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई में अलंकार है। दोस्तों 100 नंबर का दृष्टांत। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा, यहाँ दरख्तों के साय में धूप में अलंकार है, इसका आंसर हो गया दोस्तों अ नंबर का विरोधाभास। इसके बाद दोस्तों छठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सिंगार रस शांत रस व करुण रस की प्रधानता होती है। दोस्तों माधुर्य गुण में होती है, अ नंबर का आंसर सही हो गया। दोस्तों सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। दोस्तों पद्मावत खंड काव्य नहीं है, बाकी ये तीनों खंड काव्य है। दोस्तों आठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आठवां क्वेश्चन कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव, करुण का दोस्तों शोक होता है, अ नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों नौवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नौवां क्वेश्चन कह रहा है, गजल में दिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं, इसका आंसर हो गया शेर। दसवां क्वेश्चन, यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे मलरावे डुलरावे जोई सोई कुछ गावे, उपयुक्त पंक्ति में आश्रय की चेष्टा को दिए गए विकल्प में से चयन कर लिया गया, द नंबर का आंसर हो गया कृष्णा को पालने में झुलाना। इसके बाद ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, उपयुक्त पंक्ति में अनुभव पहचानिए। दोस्तों बारह नंबर का आंसर हो गया करतल युगल, इसमें अनुभव हो गया। दोस्तों इसके बाद बारहवां क्वेश्चन, दोस्तों प्रबंध काव्य के भेद है, प्रबंध काव्य के भेद दोस्तों नंबर का खंड काव्य महाकाव्य आख्यानिक गीत, ये तीन हो गए। दोस्तों तेरहवां क्वेश्चन, जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ होता है विभावना, ब नंबर का आंसर हो गया। चौदहवां क्वेश्चन दोस्तों, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें दोस्तों दृष्टांत अलंकार है, ब नंबर का आंसर हो गया। अब दोस्तों हमारे सभी विकल्प हो गए। दोस्तों इसके बाद अपन आ जाते हैं प्रश्न दूसरा रिक्त स्थान पर, पहला रिक्त स्थान है प्रबंध काव्य के अंतर्गत खालिस्तान आता है, दोस्तों इसका आंसर हो गया साकेत। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख महाकाव्य है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन करा, जिस काव्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, दोस्तों इसका लक्षणा हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा छंद खालिस्तान काव्य के अंतर्गत आता है, दोस्तों इसका आंसर हो गया मुक्त काव्य के अंतर्गत। पांचवा, हम तो एक एक करी जाना पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, इसमें दोस्तों यमक अलंकार है। इसके बाद दोस्तों छठवा वाला क्वेश्चन हो गया, नाटक विदा खालिस्तान काव्य है, दृश्य काव्य है। इसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन, सूर्य डूब गया है खालिस्तान शब्द शक्ति है, दोस्तों इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके बाद में दोस्तों आठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती में खालिस्तान गुण है, इसमें प्रसाद गुण है। इसके बाद दोस्तों नौवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नौवां क्वेश्चन कह रहा है, पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद दोस्तों दसवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गजल में लिखी जाने वाली हर लाइन या पंक्ति खालिस्तान कहलाती है, इसका होगा दोस्तों मिश्रा कहलाती है। इसके बाद ग्यारहवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 22 से 26 वर्णों के व्रत को खालिस्तान कहते हैं, सवैया कहते हैं। इसके बाद में बारहवें पे आ जाते हैं, संचारी भावों की संख्या दोस्तों खालिस्तान की 33 होती है। दोस्तों यह तेरहवा, छंद में अल्प विराम को खालिस्तान कहते हैं, को यति कहते हैं। दोस्तों इसके बाद चौदहवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दोहा छंद मात्राओं के आधार पर खालिस्तान कहते हैं, अर्धसम दोस्तों अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद पंद्रहवा क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रय की चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं, अनुभव कहते हैं। इसके बाद में सोलहवा क्वेश्चन है दोस्तों, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में खालिस्तान अलंकार है, विशेष शक्ति अलंकार है। इसके बाद में सत्रहवा क्वेश्चन है, हास वत्सल रसी खालिस्तान है, हास वत्सल रसी रति खालिस्तान है, आंसर का स्थायी भाव है। दोस्तों इसके बाद में अठारहवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जिस काव्य में एक घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, किस बात को सिद्ध कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिए जाए वहाँ खालिस्तान होता है, दोस्तों इसका आंसर हो गया दृष्टांत अलंकार। इसके बाद में दोस्तों यह अपने खालिस्तान होगा। इसके बाद दोस्तों अपन आ जाते हैं सही जोड़ी पर, सही जोड़ी प्रश्न तीसरा होगा दोस्तों, ये सही जोड़ी का पहला है, सत्संग ढिग बैठी, इसका पहले का आंसर हो गया दोस्तों घ नंबर का प्रपुंडुक्ति प्रकाश। इसके बाद दोस्तों दूसरे का आंसर हो गया दोस्तों घ नंबर का अनुप्रास वीर रौद्र भयानक। ये तीसरे का आंसर हो गया दोस्तों, ओज गुण के उदाहरण में आते हैं दोस्तों साकेत एक महाकाव्य है दोस्तों, ख नंबर में, जहाँ काव्य में सुनने से इसका आंसर हो गया दोस्तों माधुर्य, अ नंबर का। दोस्तों अपन आ जाते हैं दूसरी सही जोड़ी पर, दूसरी सही जोड़ी में पहला है दोस्तों, पहले का घर नंबर का हो गया छः चरण, कुंडलिनी छंद में छः चरण होते हैं, दोहा छंद में दोस्तों 24 मात्राएं होती है। उसके बाद रोला धन दोहा एक कुंडलिनी है दोस्तों, घनाक्षरी 8888 पर यति होती है दोस्तों, रोला में 11-13 पर विराम होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गजल उर्दू साहित्य विधा है दोस्तों, लास्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों शब्द के अर्थ का व्यापार, इसका घ नंबर का हो गया दोस्तों, जहाँ रस होता है
वहाँ इसका आंसर होगा भूमि दोस्तों, स्वर्ग से बंदी रचना महाकाल। हमने अभी तक के और सही जोड़ी, सही विकल्प और रिक्त स्थान को पढ़ लिया दोस्तों। इसके बाद अपन दोस्तों एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी और लघुतरी प्रश्नों की वीडियो अलग से बनाएंगे दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।